After core cambium, next topic of chapter number 2 is vascular cambium. Vascular cambium की कुछ important चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं. ज़रा दिखेगा कैसे. ये रहा एक transverse section stem का, और इस stem के transverse section में ये मैं जो बना रहा हूँ इसको कहते हैं vascular ring. और these cells of vascular ring are called as fascicular cambium. आपकी बुक में इसका नाम लिखा है. They are also known as fusiformis initialis. इसका नाम fusiformis initialis क्यों है? Because of their shape. आपकी बुक में लिखा है कि जो अंदर की तरफ होते हैं वो जाइलम के टिश्यू होते हैं. जो वैस्कुलर रिंग में अंदर की तरफ होते हैं वो जाइलम टिश्यू होते हैं. वैस्कुलर रिंग में जो बाहर की तरफ होते हैं वो फ्लोएम होते हैं. इस तरह से ये रहा फ्लोएम. तो अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम. एक काम करते हैं, इसको पढ़ते हैं. जरा देखिएगा कैसे. ये रहा जिसका नाम है फैसिकुलर कैम्बियम. ये अंदर की तरफ जाइलम है और ये बाहर की तरफ जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम. सबसे ज्यादा रीजनरेशन की पावर, सबसे ज्यादा डिवीजन की पावर इस वाले सेल में होती है जिसको हम फैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं. अभी ये प्राइमरी टिश्यू है क्योंकि अभी इसमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है. मैं अपनी बात अगर आगे लेके चलूं तो इन फैसिकुलर कैम्बियम रीजनरेटिव सेल, डिवाइडिंग सेल में एक नया सेल का इजाफा होता है. न्यू सेल डिवाइड होते हैं और वो न्यू सेल कैसे डिवाइड होंगे. एक की बजाय अब सेल की दो लेयर हो जाएंगी. एक की बजाय सेल जो है वो डबल लेयर के हो जाएंगे. ये जो पहले वाले जाइलम थे इनका नाम कहलाएगा प्राइमरी जाइलम. जो अभी अभी बने उनका नाम कहलाएगा सेकेंडरी जाइलम. जो पहले वाले थे उसका नाम है प्राइमरी फ्लोएम, और जो अभी हैं उनका नाम है सेकेंडरी फ्लोएम. फिर इनमें दोबारा ग्रोथ होगी. ये देखें बेटा, ये बन चुके सेकेंडरी टिश्यू. अब इनमें दोबारा ग्रोथ होगी. अब जरा देखिएगा वो दोबारा ग्रोथ कैसे होगी. एक और डिवाइडिंग सेल बनेंगे. एक, दो और तीन सेल. सबसे पहले जो सबसे पहले सेल थे जाइलम वो कहलाएंगे प्राइमरी जाइलम, और ये दोनों के दोनों कहलाएंगे सेकेंडरी जाइलम. अब अगर आगे देखें तो ये जो अभी बने हैं ये न्यू सेकेंडरी जाइलम जो पहले से थे उनका नाम होगा ओल्ड सेकेंडरी जाइलम. जरा एक दफा फिर दोबारा देखिएगा. इसमें एक नहीं, इसमें तीन तरह के बेटा आपको सेल मिलेंगे. एक जो ऑलरेडी पहले से थे उनका नाम होगा प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी फ्लोएम ये कहलाते हैं. हम इन्हें कहते हैं ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, और ये कहलाएंगे न्यू सेकेंडरी फ्लोएम. तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये फ्लोएम के सेल ग्रोथ करते जाएंगे बाहर की तरफ. ये देखिएगा, ये फ्लोएम के सेल्स बाहर की तरफ ग्रोथ करते जाएंगे और जाइलम के सेल अंदर की तरफ ग्रोथ करते जाएंगे, और ऐसे इन लोगों का डायमीटर बढ़ता जाएगा. शायद आपको याद हो कि मैंने आपको कॉर कैम्बियम में एक सेल के बारे में बताया था, फेलोडर्म. फेलोडर्म्स वो सेल्स थे जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जा रहे थे. फेलोडर्म वो सेल्स थे जो पिथ में जा रहे थे. जी हाँ बेटा, वो आकर इनका गैप भर देते. जी हाँ बेटा, वो फेलोडर्म आकर इन सेल्स के दरमियान इनका गैप भर देते हैं. ये रहे, वो फेलोडर्म आकर इनका गैप भर देंगे. तो वो थे फैसिकुलर कैम्बियम. ये जो मिलेंगे इनका नाम होगा इंटर फैसिकुलर कैम्बियम. तो फैसिकुलर कैम्बियम प्लस इंटर फैसिकुलर कैम्बियम इज नोन एज वैस्कुलर रिंग. और इस तरह से पूरी की पूरी वैस्कुलर रिंग कंप्लीट हुई. सर कैसे वैस्कुलर रिंग कंप्लीट हुई? पहले से फैसिकुलर कैम्बियम थे, जब अंदर की तरफ ग्रोथ हुई फेलोडर्म की तो बेटा इंटर फैसिकुलर कैम्बियम बने.
इनकी गैप भर दिया तो क्या बन गया, वेस्कुलर रिंग। इन वेसिकुलर कैम्बियम टिश्यू से बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। आपको मैं बताता हूं सेकेंडरी जाइलम की दो अहम तरीन कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, कभी कोई सेल मर जाए तो या तो ब्लड के जरिए, यूरिन के जरिए किडनी से निकल जाता है या इंटेस्टाइन के जरिए, एनस के जरिए निकल जाता है। मगर इधर ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लांट का, ना प्लांट का कोई डाइजेस्टिव सिस्टम, ना यूरिनरी सिस्टम होता है। तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट में अगर कोई सेल मर जाए तो वो अंदर ही अंदर डिपॉजिट हो जाता है ये रहा, और इनके ऊपर फिर नए सेल आते हैं और वो इनको कवर करते हैं। जी हाँ बेटा, ये जो नए सेल आते हैं इनका नाम है, हम इन्हें कहते हैं सैपवुड, और दिस आर द आउटर जोन सेल, ये बाहर वाले सेल है। ये सैपवुड वो सेल है जो बेटा लिविंग सेल है, जिनका काम है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना। अगर हम बात करें इन सेल्स की तो दिस आर कॉल्ड एज हार्टवुड सेल। हार्टवुड नाम क्यों रखा, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल जोन सेल। दिस आर नॉन लिविंग डेड टिश्यू, ये मरे हुए सेल है और ये मर के प्लांट को बेटा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एक कहलाता है हार्टवुड, एक कहलाता है सैपवुड। दिस बोथ आर द करेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी जाइलम। मैं अपनी बात और आगे लेके चलता हूं। सेकेंडरी जाइलम में एक और चीज है जो सबसे अहम है टॉपिक, और इसे हम लोग कहते हैं एनुअल रिंग्स। जी हाँ बेटा, एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग वो रिंग है जिसमें 6 मंथ समर में ग्रोथ होती है जाइलम की, 6 मंथ विंटर में। आप यूं समझ लें एक साल का टाइम पीरियड है जिसमें 6 महीने गर्मियां और 6 महीने सर्दियों में बनता है। और ये बात मेडिकल में एक हकीकत है, ये बात एक मेडिकल में एक ओरिजिनल यू समझने बुक्स में लिखा है कि सर्दियों में प्लांट के या एनिमल के डिवाइडिंग रेप्लिकेशन कम होते हैं और गर्मियों में ज्यादा होते हैं। अब जरा देखिएगा कैसे, ये एक रिंग के सेल है ये। अब बाहर की तरफ स्मॉल डायमीटर वाले सेल बनेंगे ये स्मॉल डायमीटर वाले जाइलम्स का मुराद है। ये स्मॉल डायमीटर वाले जाइलम से मुराद ये है कि ये वो जाइलम है जो बना था विंटर में। विंटर में जो स्मॉलर, ये देखिएगा, विंटर में जो स्मॉलर डायमीटर के सेल बनते हैं और वो रिंग के आउटर साइड पे होते हैं, और ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग, आप इनको कह सकते हैं विंटर या ऑटम। और फिर अंदर बड़े लार्ज डायमीटर के जाइलम बनेंगे वो ये, और दिस आर नोन एज लार्जर डायमीटर सेल, और ये इनर साइड पे बनते हैं, और ये कब बनते हैं, ड्यूरिंग समर सीजन। तो याद रखना, समर में ग्रोथ ज्यादा होती है तो जाइलम का डायमीटर बड़ा होगा, विंटर में ग्रोथ कम होती है तो जाइलम का डायमीटर छोटा होगा, और ये 6 मंथ लगते हैं। फिर एक दफा फिर देखिएगा, एक और रिंग बनाते हैं ये देखिएगा, अब की दफा जाइलम छोटे बनेंगे, उनका डायमीटर छोटा होगा, छोटा डायमीटर ये बता रहा है कि ये बन रहा है ड्यूरिंग विंटर, और अब डायमीटर बड़ा होगा तो ये बता रहा है कि ये बन रहा है ड्यूरिंग समर, और इस तरह से रिंग पे रिंग बनती जाएगी। और इस रिंग से हम लोग एज ऑफ ट्री का अंदाजा लगाते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस एनुअल रिंग से दो अहम तरीन काम करते हैं। एक तो हमें एज ऑफ ट्री पता चलती है कि दरख्त की उम्र क्या है, और दूसरा उसका प्रीवियस इन्वायरमेंट क्या था वो हमें पता चलता है। सर प्रीवियस इन्वायरमेंट कैसे पता चलेगा, बिलफर्स आपने एक दरख्त काटा, उसमें 100 रिंग्स थी और वो 100 रिंग दरख्त की बता रही है कि दरख्त 100 साल पुराना है, मगर एक रिंग ऐसी थी जिसमें
छह महीने बड़ा जाइलम, अगले छह महीने बड़ा जाइलम बड़े डायमीटर का बना, लार्जर डायमीटर का बना। तो ये हमें बता रहा है कि इस प्लांट ने, इस दरख्त ने अपनी 100 साल लाइफ में एक ऐसा भी साल गुजारा जिसमें छह महीने लार्ज, छह महीने लार्ज मतलब के समर, पूरा का पूरा साल उसमें समर रहा। समर में जाइलम का डायमीटर लार्जर डायमीटर होता है। तो हम यहां से एज ऑफ ट्री का भी अंदाजा लगाते हैं। और आपको याद होगा एक चीज हमने पढ़ी थी, शायद आपको याद हो, जब हमने कॉर्क कैम्बियम पढ़ा था कि फेलोजिन के सेल बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं। जी हाँ बेटा, ये देखिएगा, ये रहा स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। और मैंने आपको बताया था कि ये जब सेकेंडरी टिश्यू बाहर की तरफ, ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर लाइन में कुछ सेल बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं। जी हाँ बेटा, ये जो बाहर की तरफ ग्रोथ करते हैं एक्चुअली इनका नाम है फेलोजिन, और ये वो है जो एपिडर्मिस को वहां से डिपोजिशन को हटा देंगे और इसमें छोटे छोटे बेटा क्या बन जाएंगे, सुराग बन जाएंगे ये। और इन छोटे छोटे सुराग को आपकी बुक वाले नाम देते हैं लेंटिसल्स। तो कोई पूछे लेंटिसल्स क्या है, ये रहा स्टेम और इसमें छोटे छोटे सुराग ये। इन सुराग से जो स्टेम है ना सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, स्टेम बेटा ट्रांसपिरेशन करता है। तो कोई पूछे लेंटिसल्स क्या है, दीज आर स्मॉल, दीज आर माइन्यूट मैनी एक्सटर्नल पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टेम, जो स्टेम के सरफेस में होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो जितनी भी चीजें थी वो हमने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइमरी टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी टिश्यू कॉर्क कैम्बियम, तीन चीजें हैं। कॉर्क कैम्बियम में जब भी नाम याद आए फेलोडर्म, फेलम, फेलोजिन। और अगर आप वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो पहले फेसिकुलर कैम्बियम बनता है, फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है और उससे वेस्कुलर रिंग बनती है। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम ग्रोथ करते हैं। ये वाली डायग्राम अगर आप मेरी बुक से देखेंगे तो बुक में एज इट इज यही डायग्राम बनी हुई है। पहले प्राइमरी जाइलम आएगा, फिर और सेकेंडरी जाइलम आएगा, फिर न्यू सेकेंडरी जाइलम आएगा। जो चीजें जितनी करीब होंगी वो उतनी न्यू होंगी। सेकेंडरी जाइलम से सैपवुड बना, हार्डवुड बना। सेकेंडरी जाइलम से एनुअल रिंग बनी। एनुअल रिंग की खास बात यह है कि लार्ज डायमीटर जाइलम का विंटर, वो समर में बनता है, छोटा डायमीटर जाइलम का विंटर में बनता है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ कम होती है। वो सेकेंडरी टिश्यू जो बाहर आकर बेटा एपिडर्मिस को वहां से हटा दें और गैप पैदा कर दें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंटिसल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग मूवमेंट इन प्लांट पढ़ेंगे। थैंक यू।